खाने के लिए। फैक्ट नंबर वन, बात है चाइना के एक शहर यूनान की। वहाँ पे एक किसान के घर ऐसी बकरी पैदा हुई जिसे देखकर सारे के सारे लोग शॉक्ड हो गए। जब वो बकरी पैदा हुई तो उन्होंने देखा कि इस बकरी के चार पांव नहीं है, केवल दो पांव हैं। तो जब वो बकरी पैदा हुई तो उसके मालिक किसान ने सोचा कि इस बकरी का ध्यान मुझे जिंदगी भर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये खुद से कुछ भी चर नहीं पाएगी, खुद से कुछ भी घास नहीं खा पाएगी, चल नहीं पाएगी। लेकिन 6 महीने के बाद कुछ ऐसा हुआ जो बहुत ही शॉकिंग था। 6 महीने के बाद वो बकरी दो पांव पे बिल्कुल आसानी से चलने लगी और खुद ही घास खाने लग गई बिना किसी मदद के। पेप्सी का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जब पेप्सी पहली बार लॉन्च हुई थी तो पेप्सी कंपनी के जो मालिक हैं उन्होंने पेप्सी को ऐसे मार्केट किया था कि पेप्सी पीने से आपका पेट सही रहेगा, आपके पेट में जो डाइजेशन की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। कितना झूठ बोला था इन्होंने, ठीक है। और साइंटिफिक लैंग्वेज में जो पेट का इंडाइजेशन होता है उसे बोलते हैं डिस्पेप्सिया। और फिर इसी डिस्पेप्सिया नाम से पेप्सी ने निकाला वर्ड पेप्सी और अपनी कोल्ड ड्रिंक का नाम रख लिया पेप्सी। लेकिन क्या आपको पता है कि पाकिस्तान के लोग इसराइल से इतनी नफरत करते हैं कि वो पेप्सी का फुल फॉर्म पता है क्या बोलते हैं? सीरियसली बोलते हैं, मजाक में भी नहीं बोलते, सीरियसली बोलते हैं कि पे एवरी पेनी टू सेव इसराइल। वहाँ पे लगता है कि जो पेप्सी कंपनी की सारी कमाई है वो इसराइल देश को जाती है उसे बचाने के लिए। अभी अभी चाइना के ऊपर एक रिपोर्ट है जो दुनिया भर में वायरल हुई है और इस रिपोर्ट का नाम है चाइना ट्रिब्यूनल जजमेंट। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि चाइना के शिनजियांग में 1 मिलियन से ज्यादा यानी लगभग 10 लाख मुस्लिम्स को जेल जैसे हालातों में रखा गया है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, इससे बहुत ज्यादा घिनौनी बात अब बाहर निकल के आ रही है। अब जो सच्चाई निकल के आ रही है वो ये है कि चाइना की सरकार जानबूझकर शिनजियांग में जो जेल के अंदर मुसलमान हैं उनको मार रही है ताकि उनके ऑर्गन्स को बाहर निकाल कर मार्केट में बेचा जा सके और प्रॉफिट कमाया जा सके। चाइना में जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी है और उस इंडस्ट्री को लगातार चाहिए होते हैं ऐसे ऑर्गन्स जिनको बेचकर पैसा कमाया जा सके, और चाइना इसी काम के लिए वहाँ के मुसलमानों को मार रहा है।